Hello, dear students. Today I will discuss pedigree selection, Yavanshavalichayan. It is one of the breeding methods of self-pollinated crops. Pedigree method described by H.H. Lowe in 1927. What is pedigree? Pedigree kya hai? Yavanshavali kya hai? So pedigree ek diagram hai that depicts the biological relationship between an organism and its ancestors. ये किसी जीव या उसकी पूर्वजों के बीच में एक जैविक संबंध स्थापित करता है. ये फ्रेंच वर्ड पाइट डी ग्रू या फिर इंग्लिश मीनिंग क्रेन फूट से आया हुआ है. अतः पेडिग्री वुड डिस्क्राइब द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन. पेडिग्री से हम अपने दादा, परदादा, परपरदादा की जानकारी ले सकते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में वंश वृक्ष भी कहते हैं. पेडिग्री इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट इफ टू इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड बाय डिसेंट देयर एंसेस्ट्री एंड देयरफॉर आर लाइकली टू हैव सम जीन्स इन कॉमन. इसके माध्यम से हम दो लोगों के बीच में पूर्वजों के माध्यम से एक संबंध की जानकारी देख सकते हैं कि वो संबंधित तो नहीं है या उनमें कोई कॉमन जीन पूल तो नहीं है. पेडिग्री क्या है? पेडिग्री और फैमिली ट्री, ये एक फैमिली ट्री है जो कि इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट या डिसऑर्डर को करता है. इस पिक में आप देख सकते हैं कि फीमेल जो है राउंड सर्कल से मार्क किया जाता है और मेल्स को स्क्वायर शेप से मार्क किया जाता है. इस माध्यम से हम इसमें देख सकते हैं कि मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से या क्रॉस से फीमेल बना. फीमेल ने फिर दूसरे की बेटी से दूसरे मेल से इनके चार बच्चे बने, यहाँ से फिर इनके तीन बच्चे बने. इस तरीके से हम किसी के पूर्वजों को स्टडी करते हुए उनके जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं. पेडिग्री रिकॉर्ड. पेडिग्री रिकॉर्ड क्या है? पेडिग्री मेथड में एक डिटेल्ड रिकॉर्ड, विस्तृत जो जानकारी है उनके संबंधों के बारे में, बिटवीन सेलेक्टेड प्लांट्स, किन पौधों से चयनित हुए और कैसे उनकी प्रोजेनी मेंटेन की गई. एज अ रिजल्ट ईच प्रोजेनी इन एवरी जनरेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एज टू प्लांट फ्रॉम विच इट इज ओरिजिनेटेड एंड सच रिकॉर्ड इज नोन एज पेडिग्री रिकॉर्ड. मुख्यतः पेडिग्री रिकॉर्ड एक कठिन कार्य है मेंटेन करना, क्योंकि जितनी भी प्रोजेनीज हम आगे बढ़े हुए देखते हैं वो एफ टू प्लांट से ही ओरिजिनेट होती है. इसलिए एक्चुअल में जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन के एफ टू प्लांट की एंसेस्ट्री पर रिकॉर्ड रखना ही पेडिग्री रिकॉर्ड है. प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं? पेडिग्री मेथड, यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट्स को सेलेक्ट या चयनित किया जाता है एफ टू जनरेशन से या पीढ़ी से, और फिर उसके आगे की जनरेशन को टेस्ट किया जाता है उनकी प्रोजेनी टेस्टिंग के आधार पर. इस ऑपरेशन में हमको पेडिग्री रिकॉर्ड को एक्चुअल रखना पड़ता है. यहाँ पर इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्शन, एक पौध चयन को कंटिन्यू किया जाता है जब तक प्रोजेनी जो है कोई सेग्रीगेशन या पृथककरण ना शो करे. इस स्टेज पे सिलेक्शन मुख्यतः अमंग द प्रोजेनी किया जाता है बिकॉज देयर वुड बी नो जेनेटिक वेरिएशन विद इन द प्रोजेनी. मीन टू से एक प्रोजेनी के अंदर में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए दो डिफरेंट प्रोजेनी के बीच में सिलेक्शन किया जाता है. इस पिक से आप प्रोसीजर और पेडिग्री सिलेक्शन को सिंपल वे में समझ सकते हैं. ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to 11. एक मिनट से पेडिग्री सिलेक्शन में हमें लगभग 11 से 13 साल का समय लगता है. ऐसे करिए यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 को P2 से क्रॉस कराया सिलेक्शन पैरामीटर. ईयर 2 में 5200 प्लांट्स को हमने सेलेक्ट किया और सीड्स को बल्क किया, सीड्स प्लांटेड फॉर
higher yield. Year 3, F2 generation start rate. After generation start में 2000 से 5000 पौधे लगाए जाते हैं, स्पेस प्लांटिंग की जाती है ताकि हम विजुअली उसको देख सकें. ईयर 4, एफ 3 जनरेशन, सेलेक्ट एंड प्लांट इन स्पेस ग्रोथ. दूरी से मेंटेन करते हुए प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर दो दो पौधे हमें सेलेक्ट करने होते हैं. ईयर 5, एफ 4 जनरेशन, आइडेंटिफाई सुपीरियर रोड. यहाँ पे जो प्लांट प्रोजेनिक हमने अगले जनरेशन में आगे बढ़ाई है उनको यहाँ पे 3 से 5 रोज में लगाया जाता है. तो एक सुपीरियर रोज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है और 3 से 5 प्लांट को इस्टेब्लिश किया जाता है ये प्रोजेनिक रोज लगाने के लिए. छठवें से सातवें साल में F5 से F6 पीढ़ी में यहाँ पे फैमिली की प्रोजेनी रोज लगाए जाते हैं और इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है ताकि हम हर पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें. 25 से 50 पौधों को सेलेक्ट किया जाता है. आठवें साल में प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल, प्राथमिक उपज परीक्षण किया जाता है और इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है. लगभग 15 प्लांट्स को यहाँ पे किया जाता है. उसके बाद 9वें से 11वें साल में जो F8 से F10 पीढ़ी होती है यहाँ पे एडवांस वैराइटी ट्रायल किया जाता है और ज़्यादा एप्लीकेशन लगाए जाते हैं. मल्टी लोकेशन ट्रायल भी कंडक्ट किया जाता है. यहाँ पे 5 से 10 पौधों का चयन किया जाता है. और उसके बाद 12वें से 13वें साल में जो पीढ़ी या जो प्रोजेनी आगे सुपीरियर होती है उसको कल्टीवार या किस चीज में भी कर दिया जाता है. इस पिक में आप प्रेडिक्टिव सिलेक्शन मेथड को और डिटेल में समझ सकते हैं. पहले कल्टीवार ए और कल्टीवार बी की क्रॉसिंग की जाती है ब्रीडिंग रोल्स अचीव करने के लिए जो हमने पहले आइडेंटिफाई किए. क्रॉसिंग के बाद भी क्रॉस सीड्स तैयार होते हैं. क्रॉस सीड्स को F1 पीढ़ी के रूप में लगाया जाता है. 50 से 100 पौधे लगाए जाते हैं. F2 पीढ़ी में जो 2000 से 3000 पौधे हम लेते हैं, जो हमें F1 प्लांट्स में सीड्स मिलते हैं उन्हें हम F2 पीढ़ी के रूप में लगाते हैं. हर सीड्स फ्रॉम ईच इंडिविजुअल प्लांट्स, हर पौधे से इंडिविजुअल प्लांट्स को हार्वेस्ट किया जाता है सीड्स को और इन सीड्स को सेपरेट रखा जाता है. F3 पीढ़ी जब हम लगाते हैं तो हेड रोज लगाए जाते हैं, मतलब एक हेड में जितने आपको बीज मिले उनकी एक कैरी लगाई जाती है जो कि हमें सुपीरियर प्लांट से मिले हैं. हम यहाँ पे सुपीरियर रोज को आइडेंटिफाई करते हैं और सेलेक्ट करते हैं बेस्ट 3 से 5 प्लांट्स को एक रो के बीच में. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रो लगी है, इन रोज में से ही हमको प्लांट सेलेक्ट करने होते हैं जो कि 3 से 5 पौधे होते हैं. यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ द प्लांट को मेंटेन करना आवश्यक होता है ताकि हम उसके फिनोटाइपिक डेटा को रिकॉर्ड कर सकें. यहाँ पे सिलेक्शन को हम कंटिन्यू रखते हैं बिटवीन और विद इन द रोज थ्रू द F5 जनरेशन. F5 जनरेशन में 2 पंक्तियों के बीच में भी करते हैं और पंक्ति के बीच में भी करते हैं. F5 जनरेशन जब लगाई जाती है तो यहाँ पर मुख्यतः 25 से 50 परिवार लगाए जाते हैं और हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ दिस जनरेशन. 5वीं पीढ़ी में इस पीढ़ी में 25 से 50 परिवार लगाए जाते हैं और अंत में उसको काट लिया जाता है. F6 जनरेशन में जो फैमिलीज लगाई गई हैं उसमें से हम ऑफ टाइप प्लांट्स को ढूंढते हैं और उनको हटाते हैं और उनके बीच में समरूपता या यूनिफॉर्मिटी देखते हैं और उसके बीजों को बल्क कर दिया जाता है. जो भी हार्वेस्टेड सीड्स होते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंटल लाइन्स के रूप में चिन्हित करते हैं. F7 पीढ़ी में एक्सपेरिमेंटल लाइन्स को प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स में ग्रो किया जाता है और लोकल चेक के साथ में कंपेयर किया जाता है. F8 से F10 पीढ़ी में सुपीरियर एक्सपेरिमेंटल लाइन्स टेस्ट किए जाते हैं, उसे मल्टीपल लोकेशन में चेक में टेस्ट किया जाता है. चेक्स क्या होते हैं? चेक्स कोई भी रिलीज
कल्टीवार, कल्टीवार या वैरायटीज होती हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छी उपज देते हैं, उन्हें हम चेक कहते हैं। जो लाइंस चेक से ज़्यादा कंपेरिजन में ज़्यादा यील्ड देती हैं, उन्हें ही आगे के जनरेशन में टेस्ट किया जाता है या आगे बढ़ाए जाते हैं। F11 पीढ़ी में जो किस्त चेक से सुपीरियर पाई जाती है उसको नाम दिया जाता है, उसका प्रमाणीकरण किया जाता है और उसको विमोचित या रिलीज किया जाता है और उसके बीजों को गुणन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पेडिग्री सेलेक्शन के लाभ क्या हैं? पहला, हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है और रिकॉर्ड रखने से हम उसका कैटलॉग तैयार कर सकते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। सिलेक्शन जो होता है मुख्यतः फिनोटिपिक बेसिस पे नहीं हो करके उसके जीनोटाइप के बेस पे होता है, क्योंकि हर प्रोजेनी रोग का परफॉर्मेंस हमें पता होता है। इस रिकॉर्ड ब्रीडर जो होता है सक्षम होता है कि उन प्रोजेनी लाइंस को आगे बढ़ाने के लिए जिनमें टारगेट जीन मौजूद होता है। इस पेडिग्री मेथड के कारण जो है हमें उच्च स्तर की अनुवांशिक शुद्धता कल्टीवार में मिलती है। यहाँ पे ब्रीडिंग वैल्यू जितने भी सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो हम जानकारी रख सकते हैं या उसका परिमाण माप सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये एक काफ़ी ढीली कठिन विधि है और काफ़ी खर्चीली विधि है, समय काफ़ी लगता है। यह विधि जो है ऐसी स्पीसीज में उपयोगी नहीं है जहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट्स को आइसोलेट करना और कैरेक्टराइज करना डिफिकल्ट होता है। एक लंबी विधि है और तकरीबन 10 से 12 साल इसमें लगते हैं, और यदि एक ग्रोइंग सीजन हमें मिलता है तब ये और लंबी होती है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेनी रिजेक्ट की जाती हैं और कुछ अच्छे जो मटेरियल हैं उसका भी लॉस होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेनी। इसके उपयोग क्या है? यह स्वपरागित फसलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो नई प्योर लाइन या शुद्ध संस्कृत वैरायटी है वो डेवलप की जा सकती है इसके सेग्रीगेटिंग कंडीशन से। यह जो मेथड है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी यूज होती है और उससे हम इनब्रिड लाइन डेवलप कर सकते हैं या अंतर प्रजात किस्में। यह पॉलीजेनिक ट्रेड्स या बहुजीनी जो गुण हैं उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है पॉलीगोजेनिक के अनुपात में या कॉम्पेरिजन में। यह किसी स्पेसिफिक वीकनेस को दूर करने के लिए काम आती है, जैसे कोई स्टेब्लिश वैरायटी है, किसी स्टेब्लिश वैरायटी में उपज और गुणवत्ता को बढ़ाना। यह सिलेक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में भी उपयोगी होती है। ऐसी जो पॉपुलेशन जो पृथककरण को फॉलो कर रही हैं वहाँ से हम अच्छे सुपीरियर जो रिकॉम्बिनेंट्स है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, राइस वीट कॉटन पिजन पी क्रिंगा चिप्योर पी में वेराइटीज आप देख सकते हैं। सो दैट इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट पर्टिकुलर सिलेक्शन मेथड। थैंक यू।